आप देख रहे हैं RPKP इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं शिव विनायक तिवारी, RPKP इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए नगर में चलते हैं शहर से जुड़ी कुछ खास खबरों। शासन की गाइडलाइन के अनुसार मूर्ति विसर्जन एवं दशहरा शांतिपूर्ण संपन्न। कटनी नदी के घाटों में रात भर चलता रहा देवी प्रतिमाओं का विसर्जन। पुलिस अधीक्षक ललित अखबार के निर्देशानुसार शासन के गाइडलाइन का पालन करते हुए मूर्ति विसर्जन एवं दशहरा शांतिपूर्ण मनाया गया। शहर में DJ एवं जुलूस में प्रतिबंध रहा। शहर में ढोल नगाड़े के साथ माँ की गई विदाई। दशहरा शांतिपूर्वक संपन्न कराने में शासन प्रशासन की अहम भूमिका रही, जिसमें सिटी थाना प्रभारी विजय विश्वकर्मा के साथ पुलिस बल शहर में तैनात रहा और पूरे मुस्तैदी से प्रशासन अपनी जिम्मेदारी के साथ देखा गया। शहर की सारी प्रतिमाओं को आज़ाद चौक, गाटरघाट, राम मंदिर प्रांगण, नगर निगम द्वारा अतिरिक्त कुंड मूर्ति विसर्जन हेतु बनाया गया। विसर्जन स्थल पर तैनात TI अरविंद जैन के द्वारा शहर की लगभग 150 मूर्तियां इस कुंड में विसर्जित किए जाने की जानकारी दी गई। वहीं नगर निगम प्रशासन अपनी टीम के साथ व्यवस्थित कार्य करते हुए नजर आया। रिपोर्ट मतीन खान एवं राजेश कुमार तिवारी, RPKP इंडिया न्यूज़ कटनी। आज यहाँ मूर्ति विसर्जन के लिए जो ये कुंड बनाया गया है, लगभग कितना गहरा है और विसर्जन के बाद जो बाकी शेष मूर्ति विसर्जन होने के बाद जो बचती हैं उसको किस तरीके से निकाला जा रहा है और किस तरीके से विसर्जन कराया जा रहा है? ये अस्थायी कुंड की व्यवस्था स्थानीय प्रशासन के द्वारा की गई है जी। इसमें 4 हाथ से लेकर 8 हाथ तक की गहराई है जी। स्थानीय गोताखोरों की टीम श्रद्धालुओं के सहयोग हेतु लगी है जी। केवल शुरुआत में ही श्रद्धालुगण अपनी मूर्ति को छोड़ने के पश्चात जी जो प्रशिक्षित गोताखोर हैं वो मूर्ति को अंदर ले आके विसर्जन कर रहे हैं जी। जिनको क्रेन की मशीन से फिर कुंड को पुनः खाली करके लगातार फ्रेश वाटर भरा जा रहा है जी। चारों तरफ पुलिस और प्रशासन अपनी व्यवस्था दे रहा है जी। अभी तक विसर्जन शांतिपूर्ण चल रहा है। और देखा जा रहा सर कि इस बार विसर्जन जैसे जल समारोह जैसे वर्जित है तो एक एक मूर्तियां करके जैसे आ रही हैं। बिल्कुल सही है ना। तो यहां पर देखा जा रहा है कि पुलिस बहुत मुस्तैदी से अपना काम कर रही है और सोशल डिस्टेंसिंग भी देखी जा रही है ना। बिल्कुल, एक जागरूकता यहाँ के स्थानीय निवासियों में भी है। किसी भी प्रकार के चल समारोह के रूप में मूर्तियां नहीं आ रही हैं, केवल 4 या 3 व्यक्ति ही मूर्ति को पकड़कर अंदर कुंड तक आ रहे हैं जी जी। बाकी लोग श्रद्धापूर्वक दर्शन करके निकलते जा रहे हैं जी। इससे श्रद्धालुओं का जो है नियमों का पालन भी हो रहा है और साथ में उनका धार्मिक त्यौहार भी मनाया जा रहा है जी। लगभग अभी कितनी मूर्तियाँ विसर्जन हो गई सर? अभी 28 से 30 मूर्तियाँ लगभग इस कुंड में विसर्जन हो गई हैं। और लगभग कितनी मूर्तियाँ रह गई होंगी सर? उम्मीद है कि लगभग 80-90 मूर्तियाँ संभावित है। आपका शुभ नाम सर? मैं निरीक्षक अरविंद जैन। थैंक यू सर। पर्व है और हर साल की तरह जिस तरीके से दशहरा मनाया जाता था, इस साल ऐसा क्या है परिवर्तन में जो शासन की गाइडलाइन में दिया गया है? आज दशहरा का पर्व है, संतोषजनक की बहुत बधाई है। पिछले साल अपने देश में कोरोना का प्रभाव नहीं था, इस साल बहुत ज़्यादा कोरोना का इफेक्ट होने के कारण सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से इसका समारोह नहीं निकाला जाएगा। जैसे विसर्जन होगा तो उसमें 10 या 15 लोग रहेंगे, सरकार की DJ नहीं रहेगा। तो इस टाइम DJ पूर्णतः प्रतिबंधित है, किसी भी प्रतिमा के साथ आजाद चौक और बाकी जितने भी घाट हैं, गाटर घाट, मोहन घाट, मथुरा घाट, बाबा घाट, सभी लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है।
सोशल डिस्टेंसिंग की जहाँ बात आती है सर, जहाँ शासन प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बात की है, वहाँ देखा ये जा रहा है कि पुलिस पूरी मुस्तैदी से लोगों को समझाइश दे रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ त्यौहार मनाएं। और भी लोगों को हिदायत दी जा रही है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें। जी सर, जी सर, लोग बात पालन भी कर रहे हैं इसका, ऐसा नहीं जी सर। देखा जा रहा है सर कि पूरी मुस्तैदी से आप और आपका पूरा स्टाफ काम कर रहा है, पूरे शहर में गश्त लगी हुई है। और कहाँ कहाँ पर सर आपने बीट प्रभारी लगाए हुए हैं? लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है जी सर, व्यापार भी दोनों लगातार भ्रमण में है जी सर, लगातार। थैंक यू सर। जैसा कि हम सभी शहर वाले आज दशहरे का